आपको बता दें कि नेशनल हाईवे चुरगांव से पहाड़ी के बीच एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसका नाम अफजल अली पिता इमाम अली उम्र 30 वर्ष निवासी मोहल्ला अमृतीबाई राष्ट्र कवि स्कूल के पास का रहने वाला था, पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को थाने के सामने रखकर परिजनों ने हंगामा काटा और कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। काफी देर हंगामा चलता रहा। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण के क्षेत्राधिकार मौत एसडीएम मौत मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शव को दफनाने का आग्रह किया और निष्पक्ष जांच का पूरा आश्वासन दिया। काफी समझाने के बाद पर परिजनों ने अधिकारियों की बात मानकर शव को दफनाने के लिए गए। सर, चिरगांव का क्या प्रकरण है? सर, थाना चिरगांव के अंतर्गत परसों सुबह अफसर अली जिनकी अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी, तो इस आधार पर उनके चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें चिरगांव थाने में मुकदमा लिखा गया था और उनके परिजन कल शाम को दाह संस्कार की बात कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ बाहर से कोई आने वाला था। तो आज जब सुबह वो दाह संस्कार के लिए जा रहे थे तो सुबह चूंकि वो रास्ते में थाना पड़ता है तो उस संदर्भ में वो प्रगति के संदर्भ में वहाँ पर रुक गए थे, तो थाने से पुलिस द्वारा मतलब समझाया बुझाया गया, समझाया तो उसके बाद वो चले गए और शव का दाह संस्कार कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था है और उनकी पत्नी द्वारा कुछ बातें कही जा रही थी तो उस संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।